तो देखो फ्रेंड, मैं आपकी दोस्त उषा पटेल। आज मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं अपने नुक्कड़ पे गई थी, वहाँ से मैं क्या लेके आई हूँ और मैं इसको अच्छे से साफ कर रही हूँ एक बार, क्योंकि ये हमारे प्लांट के लिए बहुत बेनिफिट रखता है। और घर में तो हर रोज़ धोना सुखाना थोड़ा मुझे झंझट सा लगता है। तो मैं पहुँच गई नुक्कड़ और वहाँ से लेके आ गई मैं ये चाय की पत्ती। चाय की दुकान है, लारी है एक छोटी सी, तो उसको एक दिन की इतनी चाय निकलती है। तो मैं उसको अच्छे से वॉश कर दूंगी, फिर सुखा दूंगी। जब तक इसमें तो शुगर और मिल्क मतलब दूध का लेवल निकल जाएगा, तब तक मैंने दो तीन बार तो पहले मैंने धो दिया है। फिर मुझे याद आया, चलो चलो मैं वीडियो बना लूँ और सबको दिखा दूँ कि मैं कैसे चाय लाके इकट्ठी करती हूँ। चाय हमारी सॉइल को एसिडिक बनाता है और हमारे प्लांट को जिसको भी फूल आता है ये सभी प्लांट को एसिडिक सॉइल ज़्यादा पसंद है। तो मैं हर महीने में एक एक मुट्ठी, छोटी छोटी मुट्ठी, इतनी छोटी छोटी अपने हर एक प्लांट में दे देती हूँ। हर एक महीने में एक बार देती हूँ और मैं जाके यहाँ के ऐसे लेके आ जाती हूँ अच्छे से धो के। जब तक पानी साफ नहीं निकले तब तक मैं धोती रहूँगी इसको। थोड़ी वेस्ट जा रही है पर कोई बात नहीं, मुझे ऐसे ही मुफ्त में मिली है। कितनी बार तो मैंने धो दिया है, अभी भी मैं एक बार धोऊंगी। और लास्ट में मैं उसको छलनी में ले लिया है। और छलनी से मैं एक बार अच्छे से धो दूंगी, अच्छे से वॉश हो जाए। इसमें से दूध, शुगर, थोड़ा सा दूध की जो मलाई होती है चिकनापन वो भी है, तो वो सब निकल जाएगा। और फिर मैं उसको सुखा दूंगी इसमें। और अभी गर्मी इतनी है तो दो दिन में ही वो सूख जाएगी। तो देखो फ्रेंड, मेरी खाद बनके तैयार हो गई। कितने घंटे में? 4 घंटे में। मैंने 12 बजे उसको मैंने धो रही थी और अभी 4 बजे है। 4 घंटे में मेरी चाय की पत्ती सूख गई है और इसमें मैंने थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर मिला दिया है, क्योंकि इसमें दूध का थोड़ा घना हिस्सा रह तो नहीं गया। मैंने बहुत अच्छे से धोया है, फिर भी मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी और मैंने इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर मिला दिया। अब मैं उसको एक डब्बे में भर दूँगी अच्छे से मिला के। इसमें इलायची भी है थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं, ये तो अंदर हम डिकम्पोस्ट हो जाएगी खाद। तो मैं एक डब्बे में भर दूंगी और अपने प्लांट को हर महीने में थोड़े थोड़े देती रहूंगी। जैसे मतलब ख़त्म हो जाएंगी मैं फिर से लेके आ जाऊंगी और मैं अपने प्लांट को देती रहूंगी। तो देखो ये चंपा का प्लांट फूल आके चला गया है और मैं अपने चंपा के प्लांट में ऐसे दे रही हूँ। गर्मी बहुत है,
पसीना पसीना छूट रहा है। तो आप भी मेरी तरह कहीं से ऐसे मुफ्त में खाद मिल जाए तो लेके आ जाना और अपने प्लांट को दे देना। तो चलो फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।